आपको पता है क्यों फौजी गेम का रेटिंग इतना कम है? इतना प्री रिलीज पॉजिटिव हाइप होने के बावजूद भी, क्योंकि इस गेम में हर कुछ को एक्सट्रीम लेवल पे लिया गया है। देखो, इंडिया में गेम बना है वो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए और मात्रा में होना चाहिए, एंड गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है। बट मैं अपना यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। पहली बात की फौजी में ना कोई वेपन है ना कुछ है। अब गेम खेलने का जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है उसी को यहाँ मार दिया गया है। इसमें सोल्जर्स को हाथ से और डंडे से फाइट करते हुए दिखाया जा रहा है। ये तो ठीक है, बट इंसान गेम खेलता है अपने बोरियत को मिटाने के लिए, तो अगर गन ही नहीं रहेगा तो मजा वाला फैक्टर कहाँ से आएगा? मतलब एक्सट्रीम सोच पे ले गया है कि हाँ, बच्चों को अगर गन दिखाया जाए तो उससे नहीं, ऐसा नहीं होता है, एटलीस्ट मेजोरिटी केसेस में नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है कि ये जस्ट एक गेम है, ये गेम का अंदर का एक फिक्शनल यूनिवर्स है, इसमें गन हो भी तो क्या दिक्कत है। और यही रिजल्ट है कि प्ले स्टोर में इस गेम का रेटिंग 2 पॉइंट कुछ हो गया है। और पबजी बैन होने के बाद जो BGMI आया उसका सक्सेस ये दिखाता है कि अगर गेम है तो गेम जैसा रहे ना, एकदम स्कूल क्लास ना बन जाए। बोले तो मैं यहाँ पे फौजी को रोस्ट करने नहीं आया हूँ, ऑफकोर्स बहुत अच्छी गेम है और इंडिया में और भी गेम्स बनने चाहिए, बट एक गेम के नजरिए से बनना चाहिए। और इस गेम के अंदर लैग्स और बाकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो तो है ही बहुत। तो यही बस मेरा मन किया आपको कि शेयर करूं, बस कर दिया और कुछ नहीं। एकदम एक्सट्रीम पे हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि हाँ एकदम ही गन हटा दे, सब कुछ कर दे और एक स्कूल क्लास बना दे गेम को। सो दैट्स इट। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।